सो हम लोग आज रहने वाले एक जेल के अंदर रात भर. इसकी हमारी पनिशमेंट क्या थी? दैट वी आर अ टूरिस्ट. दोस्तों ये पहले जेल हुआ करता था, आज ये एक फाइव स्टार होटल है. ऑब्वियसली जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है होटल के अंदर का, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट. जो है हम है जेल के अंदर, ये है आइसोलेटेड रूम, आप देख सकते हो ऐसा कुछ इसका नजारा है. WC. ये टॉयलेट, ये सोने का बेड, टेबल. ये एक्चुअल ऐसा जेल दिखा करता था. सो दोस्तों ये है आइसोलेशन रूम, आप देख सकते हो इतना छोटा रूम. यहाँ पे टॉयलेट, यहाँ पे बेड, यहाँ पे प्रिजनर को रखा जाता था. ये जो है ये डोर है, ये इन लोगों ने अभी एज इट इज रखा है. यहाँ पे हीटर था, ऐसे कपड़े पहनाए जाते थे उनको. ये टॉयलेट का जो फ्लश करने का है ये था. तो ये है आइसोलेटेड रूम, तो ये आदमी यहीं पे रहेगा. सो अभी भी रिटेल स्टार होटल का एक लॉबी, और यहाँ पे देख सकते हैं ये आइसोलेटेड रूम. बिगर शावर, स्मॉल शावर, नाइस बाथटब. और दोस्तों सबसे बड़ी चीज जो है यहाँ पे, पूरे यूरोप में हमको जो चीज नहीं दिखी वो यहाँ दिखी, धोने के लिए जेट की पिचकारी. ये पूरे यूरोप में कहीं नहीं मिली, ये यहीं पे है खाली. तो ऐसा अच्छा था हमारा जेल. अभी हम लोग हो जाते हैं रेडी. दोस्तों अभी देता हूं आपको रूम का टूर, देखिए कितना अच्छा रूम है. जेल में जिन्होंने शादी की थी 2008 में, उनका एक अच्छा सा एक फोटो यहाँ पे है. तो काफ़ी एक बेहतरीन लोकेशन है. ये सब विंडोज़ ये दिख रही है आपको, ये सब चीज़ें जेल की जैसी थी वैसे ही रखी है. तो ये जेल की टेक्नोलॉजी देखो कितनी अच्छी है. ये ग्लास, ये आईपैड रखा है, आपको पानी चाहिए आप ये प्रेस कीजिए, पानी आ जाएगा. वाह, ये है जेल की टेक्नोलॉजी, बेस्ट टेक्नोलॉजी. ये जो विंडो है ये थोड़ी देखो आपको दिख सकती है, एक जेल की विंडो जैसा, सब हिडन है. खाली एक आने के लिए जो विंडोज छोटी छोटी बनाई होती है, तो आप यहाँ देख सकते हो. दिस इज ऑल अ जेल फील एंड दैट्स अ जेलर. गुड मॉर्निंग. जब जेल से अंदर आप आते हो फर्स्ट टाइम, तो ये जो एंट्री गेट है अभी अंदर का शूट हो चुका है. अभी बाहर देखते हैं बाहर से कैसा दिखता है ये जेल, कैसा दिखता है सर बाहर से? एक नंबर. ये जो दिख रहा है आपको ये सारा जेल का प्ले एरिया था. यहाँ पे बाहर से बाहर आके बैठ सकते हैं. ये देखो ये सारी दीवार है, थोड़ा रिनोवेट किया है, कलरिंग वगैरह किया है. वो हमारे विनोद भाई कटाजनोक्का, ये एक मैरियट का प्रॉपर्टी है. मैरियट ने ये एक पहले जेल हुआ करता था, और मैरियट ने इस जेल को खरीद लिया और इसको एक अच्छा सा होटल बना दिया. सो हम लोग आज रहने वाले एक जेल के अंदर रात भर. इसकी हमारी पनिशमेंट क्या थी? दैट वी आर अ टूरिस्ट. जेल के बारे में और बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं छोटी छोटी विंडो, तो छोटी छोटी विंडो जेल में होती है आइसोलेशन के लिए. ये जो है, और ये है एंट्रेंस के जेलर, सेकेंड जेलर, बोथ आर जेलर इन. दीज आर ऑल द विंडोज विच यू कैन सी, दीज आर ऑल प्रिजन विंडोज. Actually, it was our pleasure to stay in this prison for a night. That's good. And it was beautiful night which we had. Like, that's good. Have you ever seen a single person who said, it is a beautiful night in prison? You see, sometimes in life you have to answer questions that you don't know where it comes from. Thank you. He'll be our guide for a day, and he'll be making sure that whatever places we see and all information will be given by him. So any wrong information, do comment. So you can just have a little idea over there. So we're gonna come right along to the rock.
यहाँ पे सब फिनिश लोग, फिनलैंड में जो हेलसिंकी के लोग हैं यहाँ पे आके मिलते हैं, कोई भी पॉलिटिकल चीज़ के लिए या फिर कोई भी मीटिंग के लिए। तो हमारे टूर गाइड ने हमको थोड़ा नॉलेज दिया इसके बारे में। सही बात है, सही बात। पार्लियामेंट उधर है, ये हाउस है। We are here on the emotional square of Helsinki. Yes. Christmas. Yes. Christmas, New Year, and any political rally. Parades. Yes. The city, आप देख सकते हो अच्छी अच्छी ट्रामें दौड़ रही है। अभी दो मिनट पहले मैं टूर गाइड से बात कर रहा था, टूर गाइड कह रहा था कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोना है, कार जितनी है उससे ज़्यादा सोना है यहाँ पे। कमाल है। हाँ, और वुडन सोना है यहाँ पे। सो सोना मतलब सोना, नींद लेना नहीं, सोना मतलब यहाँ पे वो बोलते हैं मसाज वसाज लेते हो। दोस्तों अभी हम लोग लेने वाले हैं फेरी, फेरी से जाएंगे एक आइलैंड पे और देखते हैं आइलैंड पे क्या है। अंकल को भूख लग रही है तो अंकल देख रहे हैं कुछ खाने को मिलता है क्या। वो फिश बेच रहे हैं, वो फिश बेच रहे हैं से बना रहे हैं यहाँ पे वुलन का। और काफी क्या अंकल, 80 रुपए का यूरो है। 2019 में हेलसिंकी को बेस्ट सिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था यूरोप में, बेस्ट इनोवेटिव सिटी ऑफ द ईयर। क्या है इनोवेशन इन्होंने ऐसा किया, बेसिकली जो भी रोड्स है यहाँ पे रोड्स के अंदर से इन्होंने पाइप डाले और वहाँ से गर्म पानी वो लोग फ्लोट करते हैं, तो जब भी बर्फ़ गिरती है तो वो बर्फ़ है वो पिघल जाती है। लंदन में क्या होता है, लंदन में ये लोग सॉल्ट डालते हैं बर्फ़ को पिघलने के लिए। इन लोगों ने काफ़ी इनोवेशन किया है। दैट्स द फेरी वी आर गोइंग इन। लोग कहते हैं यहाँ पे कभी ट्रैफिक जाम नहीं होता, जहाँ इंडियन आते हैं वहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है। अभी आ गए दोस्तों नए आइलैंड पे, देखते हैं अभी क्या क्या है यहाँ पे, काफी मजा आएगा ऐसा लगता है, कोई अलग अनोखी चीज यहाँ पे होने वाली है ऐसा लग रहा है। अभी आ चुके एक नए आइलैंड पे, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। बैठे हैं सिटी का मजा ले रहे हैं, अच्छा ब्रिज दिख रहा है, काफी लोग वहाँ फोटोग्राफी कर रहे हैं। ए ब्यूटीफुल प्लेस। एक्चुअली ये समर है यहाँ पे, बट हेलसिंकी दोस्तों इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट कंट्रीज इन द अर्थ। 3-4 कंट्री जो है उसमें आती है ये, काफी कोल्डेस्ट है। इवन समर में ठंड रहती है और बाकी 6-8 महीने तक यहाँ पे स्नोफॉल भी होते रहता है। पानी तो नहीं। जो यूरोप की है, जहाँ पे कोई भी आप एक नज़ारा देखते हो ना तो वहाँ पे आपको बस जस्ट फोटो निकालने का मन करता है कि हर कुछ चीज़ खूबसूरत है। जैसे अपन वहाँ से आए, अरे यार कितना अच्छा व्यू है, फोटो निकाल। यहाँ पे आए, अरे कितना अच्छा व्यू है, फोटो निकाल। खाली फोटो निकालते रहो और चलते रहो, जो मिलता है वो देखते रहो।
दोस्तों एक चीज़ मैंने पूरे स्कैंडिनेविया में देखी है, यहाँ पे लोग जो है साइकिल चलाना पसंद करते हैं और काफ़ी फिट रहना पसंद करते हैं। पाजी यहाँ पे तो कोई लोग भी नहीं है, कुछ नहीं, अपने जैसे टूरिस्ट आ रहे हैं बस, वहाँ है ना लोग हैं ना, हम लोग हैं ना, हम लोग हैं ना, हम लोग हैं ना। चलेंगे तो अभी जाते हैं अंदर, लोगों को मिलते हैं, कैसे रहते, खाते पीते, उनके किचन विचन देखते हैं। यस लोगों के घर अभी नॉक करेंगे, उसे किचन विचन घुस, घर में घुस के नॉक करके क्या कैसे रहते, क्या खाना क्या बनाया भैया आज। आइलैंड है, इसका नाम है सियोमोलिना और हमने नाम रखा था गोल आइलैंड, तो हम लोग गोली बोलेंगे। क्या नाम? गोल, गोल। ये जो क्रूज दिख रही है दोस्तों, इसके अंदर हम लोग आज शाम में जाने वाले हैं स्वीडन, विकिंग लाइन। चुके बाहर, अभी निकल रहे हैं हमारी बस की ओर, बस एक मिस हो चुकी है, दूसरी बस में जाएंगे आज। लंदन आए के जैसा ये है हमारा हेलसिंकी आए। ये जो है यहाँ का पार्लियामेंट है, यहाँ पे सब यहाँ के नेता लोग आते हैं। दोस्तों अभी फोटो सेशन हो चुका है, अभी जा रहे हैं क्रूज पे, मिलते हैं क्रूज पे। सो दोस्तों ऐसा कुछ हमारा रूम है यहाँ पे, ये हमारा जो क्रूज का रूम है ये, यहाँ पे आप देख सकते हो इधर है टॉयलेट, काफी अच्छा सा टॉयलेट है, और ये एक ही फिनलैंड है जहाँ पे ये पिचकारी रहती है टॉयलेट करने के लिए, अदरवाइज सब जगह पे पेपर का इस्तेमाल होता है। और ये अच्छा सा एक विंडो दिया है यहाँ पे, जिसके अंदर एक फोटो लगा के रखा है बाहर के व्यू का, लेकिन मेरे जो पिछले क्रूज में मेरे को प्रॉपर विंडो सीट मिली थी और प्रॉपर अच्छा एक विंडो था जहाँ से आपको दिखता है बाहर का, यहाँ से कुछ नहीं दिखता है, इज लाइक, चलो अभी क्या करें, बेगर कांड भी चूजर। हमारी पत्नी जी देखो मस्त खेल रही है फोन से। तो दोस्तों मिलते हैं अभी, देखते हैं क्रूज में क्या क्या है आगे। दोस्तों वीडियो में जस्ट इतना ही, अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा पूरा क्रूज का कैसा ट्रिप था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाजू में एक बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कर लीजिए, सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगा। राइडर्स प्लीज़ वेयर हेलमेट, ड्राइवर प्लीज़ वेयर सीट बेल्ट, कीप द रोड क्लीन, कीप द रोड सेफ, कीप द सिटी क्लीन। थैंक यू।